शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल अमराई घाट पर टिकट बेचने की राशि को लेकर पहले भी कई बार देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों का विरोध सामने आता रहा है। लेकिन विभाग है कि पूरी तरह धृतराष्ट्र बन चुका है और गांधारी की तरह सब कुछ देखने की क्षमता रखने के और जानने के बावजूद अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। इस पर्यटन स्थल पर लिपापोती के साथ ही संबंधित देवस्थान विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदार की मिलीभगत होने के आरोप भी गाहे बगाहे लगते रहते हैं। लेकिन जब किसी भी जिम्मेदार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी तो विभाग अधिकारियों की इस कुंभकर्णी नींद को उड़ाने भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता सन्नी पोखरना और MLSU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह सहित कई युवा अमराई घाट पर पहुंचे, यहां चल रहे इस मिलीभगत और भ्रष्टाचार के खेल का जोरदार विरोध किया। पोखरना का आरोप है कि अमराई घाट पर पर्यटकों के फोटोशूट करने को लेकर जो राशि तय की गई थी उससे कई गुना ज्यादा राशि यहां आने वाले लोगों से वसूली जा रही है। ऐसे में विभाग के इन करतूतों से गुस्साए इन लोगों ने अमराई घाट पर पहुंचकर यहां चल रही विभाग, यहां के कर्मचारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी करते हुए इस दिशा में जल्द ही सख्त कदम उठाते हुए इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इन सभी लोगों का कहना था कि जब तक ऐसे देवस्थान विभाग के अधिकारी इनसे मौके पर पहुंचकर बात नहीं करते यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए हम आपको भी सुनवाते हैं कि इन लोगों ने अमराई घाट पर किस तरह प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। ठेकेदार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो। ठेकेदार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी भैया, जैसा कि आप सबको भी ज्ञात है कि अभी हमने महीने भर पहले तकरीबन महीने भर पहले देवस्थान विभाग में ज्ञापन दिया था, जिसमें जिस तरीके की लूट यहाँ मचाई जा रही है, यहाँ पे जो अमराई घाट का है इन्होंने देवस्थान विभाग ने कोई टेंडर किया है जिसकी जारी इसके बारे में शायद इनके अधिकारियों को भी पूरा नॉलेज नहीं है कि ये टेंडर किस तरीके से हुआ है। इसमें 100 रुपये यहाँ पे लोकल लोगों से लिए जा रहे हैं, लोकल किसी भी तरीके आदमी आ रहा है उसके मोबाइल के 100 रुपये लिए जा रहे हैं, 4,000 रुपये प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं। ये किस तरीके लूटमार जो अपने लोगों से कर रखी है। यहाँ पे अपना बहुत सालों पुराना एक मंदिर भी है जहाँ पे बहुत सालों से लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग, उनसे भी यहाँ पे 100 रुपये मोबाइल के लिए जा रहे हैं। बाकी 10 रुपये एंट्री फीस है, चलो 10 रुपये एंट्री फीस का हमने इसलिए विरोध नहीं किया था कि मान लिया कोई न्यूसेंस आता हो, कोई किस तरीके लोग आते हो जो नशा करते हो तो 10 रुपये ठीक है, एक वाजिब चीज़ है। उसके बाद मोबाइल के पैसे ले रहे हैं 100 रुपये 200 रुपये, तो ये तो गलत है। इसका विरोध हमने पहले ही किया, तो हमको कहा गया हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुई नहीं है। तो आज हम यहाँ मौके पर आए हैं, मौके पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ मौके बैठे हैं, अभी मेरे ठेकेदार जो भी है उनसे बात हुई है, उन्होंने मेरे वापस टालम टोल किया है कि आप यहाँ सूरजपाल देवस्थान विभाग आ जाइए, यहाँ जवाब दे दूंगा दे दी कर। मैंने कहा जो भी आएंगे मौके पे ले आइए, आप मौके पे आके जो भी होगी बात कर लेंगे, बाकी हम यहाँ बैठे हैं। ना तो आज यहाँ टिकट कटेगा, ना आज ना कल ना परसों, जब तक ना इसको कोई सोल्यूशन होता है, अधिकारी भी आए ठेकेदार भी आए क्लियर करें चीज़ें। अगर देवस्थान विभाग ने इस तरीके का कोई टेंडर कर रखा है जहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं तो वो भी गलत है, फिर हम देवस्थान विभाग जाके उस टेंडर को निरस्त करने की प्रक्रिया कराएंगे। और अगर ठेकेदार मनमानी वसूली कर रहा है तो उसका भी हम विरोध करने बैठे हैं कि इस तरीके की चीज़ ना। जैसा कि ध्यान है कि जो अमराई घाट वाला विषय चल रहा है अभी शहर में सरासर गलत है। हमने 1-1.5 महीने पहले भी ज्ञापन दिया था और देवस्थान और संभागीय आयुक्त तो चेताया था कि जो जिस तरीके से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है वो सरासर पूर्ण रूप से गलत है। मनमानी रेटिंग, हाँ 10 रुपये अगर आप किसी से ले रहे हो किस चीज़ के तो ठीक है, कोई आपराधिक गतिविधि वाला भी नहीं आएगा, नुनसेन जी होगा, साफ सफाई हो जाएगी। जो फोन रखने के 100 रुपये 200 रुपये ले रहे हैं ये कहाँ तक सही है। आज पुराना मंदिर है यहाँ पे, उनके पुजारी और जो दर्शन करने आते हैं उनसे टिकट ले रही है, जो बेचारे अमराई घाट के लोकल लोग हैं जगदीश चौक के उनके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जो पहले प्री वेडिंग शूट के 2,000 रुपये लेते थे उसको 4,000 कर दिए ठेकेदार ने मनमानी से। अभी हमने ठेकेदार से बात की तो वो कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा, देना ही नहीं चाहता। हमने कहा टेंडर की कॉपी बता दो हमें, अगर टेंडर की कॉपी में लिखा होगा तो हम देवस्थान से बात करें, आपसे नहीं करें, तो वो आना ही नहीं चाह रहा है यहाँ पे। कल तो ऐसा करके कोई भी कहीं पे भी टिकट लगा देगा, कल फतेह सागर पे कोई टिकट लगा देगा कि आप टिकट लो और जाओ, तो फिर यहाँ के बीचा लोकल लोग जाएंगे कहाँ। इसीलिए हमने आज अभी ठेकेदार से बात हुई, हमने कहा आप मौके पे आओ, टेंडर की कॉपी लेके आओ, अगर कोई देवस्थान का अधिकारी भी आ रहा हो और टेंडर में अगर ये शर्तें हैं तो हमें बताएं, हमें किससे लड़ना है। अगर ठेकेदार ने मनमानी वसूली कर रखी हो तो इसका ठेका निरस्त हो, और अगर देवस्थान ने मनमानी वसूली लगा रखी हो तो हम देवस्थान धरना दें। तो आज किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं लगेगा, हम जब तक निष्पक्ष नहीं हो जाता है तब तक हम यही बैठे हुए हैं।